कोरोना महामारी संक्रमण काल में देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते सारे कामकाज और कल कारखाने फिलहाल बंद है। ऐसे में देश भर में बड़ी संख्या में विवाह जैसे समारोह भी स्थगित किए गए हैं, पर कुछ जगह जरूरी होने की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चंद लोगों की मौजूदगी में अति आवश्यक होने पर ही विवाह देखने को मिले हैं। ऐसा ही मामला दसीग्राम का है, जहां पाटीदार समाज के एक परिवार ने लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पांच पांच लोगों की दुल्हा दुल्हन की तरफ से मौजूद मेहमानों के साथ शादी की रस्म पूरी की। इस दौरान सभी ने मास्क लगा रखा था और दुल्हा दुल्हन ने भी मास्क लगाकर विवाह की रस्में निभाई है। विवाह कराने वाले पंडित गजेंद्र शर्मा ने बताया, पहली बार इस तरह का विवाह कराया जहाँ न कोई गाजा बाजा, न बाराती, न ही भीड़, और सभी ने कोरोना संकट काल के नियमों का पालन भी किया है। श्री राम रामेश्वर मंदिर धाम में कोरोना संक्रमण काल में जो सादगीपूर्ण रूप से शादी संपन्न कराई गई, जो एक समाज को संदेश देते हुए, मतलब समाज को आर्थिक दृष्टि से भी मतलब खर्चों को बचाते हुए सादगीपूर्ण रूप से संपन्न किया। मैंने ऐसी शादी सादगीपूर्ण रूप से कभी भी समाज में, हमारे समाज में नहीं देखी, जो आज समाज में हमने की, जो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि सादगीपूर्ण रूप से ही सभी कार्यक्रम अगर संपन्न करें तो आर्थिक दृष्टि से समाज को समृद्ध बनाएगा। पाटीदार समाज के अंदर करीब करीब मैंने 1000 के आसपास शादी करवाई है और सभी शादी वेदोक्त पद्धति से संपन्न करवाई है, मगर इस लॉकडाउन के दौर में मैंने पांच पांच उपस्थित बारातियों के बीच में शादी वैधानिक रूप से मैंने पूर्ण रूप से संपन्न करवाई है और सभी को, समाज जन को और सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कम से कम में बारातियों को लेकर के पांच से कम की उपस्थिति में ला करके बारातियों के और वर वधु पक्ष दोनों पांच पांच मिल करके इसी प्रकार की शादी इत्यादि।